होली के त्यौहार में दही बड़े तो बनते ही हैं, तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ सुपर सॉफ्ट और टेस्टी दही बड़े बनाने की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशी, बर्नवाल किचन में आपका स्वागत है। दही बड़े बनाने के लिए हम यहाँ पे एक बाउल या कोई भी बड़ा बर्तन लेंगे, और यहाँ पे मैंने सफ़ेद उड़द दाल लिया है 1 कप। मैंने यहाँ पे 2 कप पानी लिया है। हम 2 कप पानी उड़द दाल में डालेंगे और इसे हम 5 से 6 घंटे के लिए भिगोकर रख देंगे। तो यहाँ पे 5 घंटे हो गए हैं और हमारा उड़द दाल भी अच्छे से भीग गया है। तब हम इसे क्या करेंगे, अच्छे से वॉश कर लेंगे और वॉश करके इसका एक पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने उड़द दाल को अच्छे से वॉश कर लिया है और साथ ही मैंने यहाँ पे एक ग्राइंडर जार लिया है। जार में हम उड़द दाल को डालेंगे। आप उड़द दाल के साथ यहाँ पे थोड़ा सा मूंग दाल भी भिगोकर ऐड कर सकते हो। अब मैं इसमें 2 हरी मिर्च और यहाँ पे 1 इंच बड़ा टुकड़ा अदरक का ऐड कर रही हूँ। अब हम इसका ढक्कन लगाएंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो मैं इसे ग्राइंड करने समय पानी का यूज़ नहीं कर रही हूँ, पर अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप थोड़ा सा पानी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और पानी का यूज़ नहीं कर रहा है, पर अगर आपको ये ज़्यादा थिक लगे तो आप यहाँ पे 1 से 2 टेबल स्पून पानी ऐड कर सकते हो। अब हम बैटर को बाउल में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बैटर थोड़ा थिक लग रहा है। जब हम इसे एक विस्क या चम्मच की हेल्प से फेंटेंगे तो बैटर हल्का हो जाएगा। तो हमें इस तरीके से एक चम्मच या विस्क की हेल्प से फेंट लेना है। आप इसे कम से कम 5 से 10 मिनट फेंटें, जिससे कि बैटर हल्का हो जाएगा और दही बड़े जो होंगे वो बहुत सॉफ्ट और खिले खिले बनेंगे। तो मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है। फेंट कर हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम एक बड़ा बाउल लेंगे और बड़े बाउल में हम गर्म पानी ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे 1 लीटर गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे एक तड़का पैन लिया है। हम सबसे पहले गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे और मैं 1 टेबल स्पून यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल ऐड कर रही हूँ। साथ ही हम यहाँ पे 2 लाल मिर्च डालेंगे तोड़कर। जब मिर्च थोड़ी सी पक जाए तो हम इसमें डालेंगे हींग। उसके साथ ही यहाँ पे जाएगा 1 छोटा चम्मच जीरा। सारी चीज़ों को हम अच्छे से सौते कर लेंगे। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें अच्छे से जल गई है। तब हम बाउल में 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे और सारी चीज़ों का जो हमने छोका लगाया था अब हम उसे भी पानी में ऐड कर देंगे। पानी हमारा अभी गर्म है, इस पानी का यूज़ हम बाद में करेंगे। तब तक मैंने गैस पे यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाई है और कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो हम पहले तेल का टेम्परेचर थोड़ा चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो बैटर ऊपर आ गया है। अब हम गर्म तेल में एक एक करके बड़े डालेंगे और गैस का फ्लेम यहाँ पे मैंने मीडियम रखा है। हम इस तरीके से बड़े को पलटते जाएंगे, नहीं तो ये एक साइड से जल सकता है। आप देख सकते हो यहाँ पे बड़े का कलर चेंज होने लग गया है और इसका एक बहुत अच्छा कलर आ गया है। इसका मतलब ये है कि ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, एक गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और एक प्लेट लेंगे और सर्विंग प्लेट में इसे निकाल लेंगे। हम इसे ओवर कुक नहीं करना है। तो मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और हम बड़े को एक प्लेट में निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। तो चलते हैं हम अपने अगली प्रोसेस की तरफ। तो जो पानी हमने रेडी करके रखा था अब हम उसमें एक एक करके बड़े डालेंगे। इस पानी का यूज़ आप कांजी बड़ा बनाने के लिए भी कर सकते हो। बड़ा ऐड करने के बाद हम इसे एक प्लेट से ढककर 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि बड़े अच्छे से फूल जाए। साथ ही हम चटनी बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक मिक्सर जार लिया है, उसमें मैं यहाँ पे हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। साथ ही मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ पुदीने के पत्ते। उसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे एक हरी मिर्च और यहाँ पे थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, साथ ही 2 कलियाँ लहसुन की, और उसके साथ ही यहाँ पे मैं नमक ऐड कर रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 टेबल स्पून पानी। अब हम इसका ढक्कन लगाकर इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ग्राइंड कर लिया है। ये हमारे दही बड़े की हरी चटनी बनकर रेडी हो चुकी है। मैं आपको इसका कलर और टेक्सचर दिखाती हूँ कितना फाइन आया है। इसके साथ ही अब हम बना लेंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप इमली का पल्प। गैस का फ्लेम हम यहाँ पे ऑन कर लेंगे और लो फ्लेम पे रखेंगे। साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे 1/2 कप से थोड़ा सा कम पानी। उसके साथ ही यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 छोटी चम्मच मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और सबसे लास्ट में ऐड करूँगी मैं यहाँ पे चीनी। अगर आप चीनी अवॉइड करते हो तो यहाँ पे आप गुड़ भी ऐड कर सकते हो।
सारी चीज़ों को मिस्टर कर लेंगे और लो फ्लेम पे हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए पकाते रहेंगे, या फिर हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक इसे एक बहुत अच्छा कलर ना दिखने लग जाए। तो आप देख सकते हो चटनी का एक लाल कलर आ गया है और चटनी बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। तो अब हम यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और चटनी को थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे एक बाउल में फ्रेश कर्ड लिया है। कर्ड में मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून शुगर ऐड कर रही हूँ। उसके बाद हम इसे एक विस्क के हेल्प से अच्छे से फेंट लेंगे ताकि दही बहुत ही स्मूथ हो जाए, इसमें कोई लम्ब्स ना रहे। तो आप देख सकते हो दही यहाँ पे स्मूथ हो चुकी है। इसके साथ ही आप देख सकते हो कि दही बड़े यहाँ पे फूलकर साइज़ में बड़े हो चुके हैं। मैं आपको एक दही बड़ा उठाकर दिखाती हूँ कि ये कितना अच्छा बना है। हम क्या करेंगे, एक दही बड़ा लेंगे और इससे इस तरीके से पानी अलग कर लेंगे। इसके बाद हम दही बड़े की सर्विंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक सर्विंग प्लेट लिया है और उसमें दही बड़े को रख दिया है। फिर हम इसे फेटी हुई दही से कवर कर देंगे। और जो हमने चटनी बनाई थी, पहले मैं यहाँ पे हरी चटनी डाल रही हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे इमली की खट्टी मीठी चटनी ऐड कर रही हूँ। चटनी डालने के बाद हम यहाँ पे मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे काला नमक ऐड कर रही हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे जीरा पाउडर डालूंगी। जीरा पाउडर के साथ ही हम यहाँ पे ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर सकते हो, और इसे मैंने थोड़ी सी बूंदी से गार्निश कर दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे दही बड़े कितने टेस्टी और जूसी बने हैं, और ऊपर से इसमें हरी चटनी और इमली की चटनी तो है ही। अब मैं आपको एक दही बड़ा कट करके दिखा रही हूँ कि ये कितना सॉफ्ट बना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब